हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटे बड़े खबरों की। तो दोस्तों, जैसे फ्लाइटें जो हैं वो एक्सटेंड पे एक्सटेंड होते जा रही हैं, अभी कोई भी डेट सामने नहीं आ रही है। 7 अगस्त और उससे बाद का भी डेट हो सकता है, ऐसा एयरलाइंस वालों ने बताया है। अभी तक GCAA की तरफ से कोई भी अप्रूवल नहीं आया है या यूएई गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं की है कि फ़्लाइटें ओपन होने को है जो 16 कंट्रियाँ बैंड है वहाँ से। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, वाया आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, और कुछ लोग जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, वो लोगों को वापस भी भेजा जा रहा है। तो देखिए, ये जो वाया वाला है वो बहुत ही रिस्की जर्नी है। कब फ़्लाइटें बंद हो जाए, कब चालू हो जाए, कौन सी डॉक्यूमेंट कब मांगी जाए, तो अगर आप वाया थर्ड कंट्री आना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आना होगा। आप अपने ट्रैवल एजेंट से बहुत अच्छे से बात कर ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पे, वहाँ की अप्रूव वैक्सीन आपने ली है कि नहीं, ये सब चीज़ देख के फिर ही आप ट्रैवल कीजिए। तो ये तो थी पहली बात। तो दोस्तों, जैसे ही फ़्लाइटें बंद हैं, पता है क्या चालू हो गया, बहुत सारे फ्रॉड केसेस, स्कैम्स, ये सब चालू हो गए हैं। फेक ट्रैवल एजेंसी के बहुत सारे वेबसाइट्स बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आपको कैसे उन सब से सावधान रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, देखिए काफ़ी सारे जॉब्स ऑफर, तो मैं आपको क्लियरली बोल दूं, जॉब जैसे दुबई का या यूएई का पहले जैसा था, अब वैसा सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम मात्रा में अगर आपको कोई कंपनी डायरेक्ट ऑफर लेटर दे रही है या वीज़ा दे रही है, वर्क वीज़ा, तभी आप उसमें विश्वास कीजिए। अभी मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है, आप किसी भी एजेंट से अभी वर्क मतलब काम के लिए या कुछ भी पैसा मत दीजिए उन्हें, क्योंकि अभी वहाँ से एम्प्लॉयर हायरिंग बहुत कम हो रहा है, यहाँ पे बोलना चाहिए ना के बराबर हो रहा। बहुत कम कंपनीज जो हैं वो लोग ही हायर कर रही हैं, तो आपको इससे सावधान रहना है। अभी आपको इसके पीछे कोई भी पैसे नहीं लगाने हैं कि आपको दुबई में या यूएई में अभी जॉब दिया जाएगा, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। प्लीज़ अपने पैसे अभी मत लगाइए, फ़्लाइटें रेगुलर हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप ऐसा कीजिए। ये तो थी पहली बात। उसके बाद भी अभी जो वाया आने का हो रहा है, इसके लिए भी बहुत सारे फेक चीज़ें हैं, आपको अच्छे से देख लेना है, या जो बहुत आप नेट पे पूरा गूगल कर सकते हैं। जैसे कई बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स हैं, आप उनसे ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं या चैट के थ्रू आप उनसे जान लीजिए, या आपके शहर का जो बहुत बड़ा ट्रैवल एजेंट है या आपको जिस पे ट्रस्ट है या काफ़ी लोग जा चुके हैं उस ट्रैवल एजेंट के थ्रू, आप उनसे अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बट किसी नए ट्रैवल एजेंट से या बोल रहा है कि मैं कम में करा दूंगा, ये करा दूंगा, देखिए कम में कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। तो ऐसे कई सारे फ्रॉड केसेस, स्कैम्स या फेक जो वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से सावधान रहना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी फ़्लाइटें ओपन होने दीजिए, रेगुलर होने दीजिए, उसके बाद आप जॉब सर्च करिए, जॉब के लिए पैसा दीजिए किसी को, या अपने टिकट्स किसी से बुक कराइए, वीज़ा इशू कराइए, जो कराना कराइए, बट पहले फ़्लाइटें ओपन होने दीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्रोसेस यहाँ पे बंद है, जॉब बोलिए या कुछ भी बोलिए। तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट वीडियो था आप सबके लिए, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।